ये आप देख सकते हैं। हमने ये कहा है कि दिल्ली की सभी महिलाओं को, दिल्ली की सभी महिलाओं को हम 3 घंटे के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे। मैंने आपको बता तो दिया, अब की बार बेईमान सरकार, हमने बेईमान मुख्यमंत्री है जो ईमानदारी पे बात नहीं करना चाहता होगा। ऐसा एक्सपेंड करेंगे इस चीज़ को। सभी को पता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में चुनाव होना, बहुत ही बदतर स्थिति है। जो विकास ये दिखा रहे हैं, ऐसा कोई विकास दिल्ली में नहीं हुआ है। ये एक झूठी तस्वीर पेश की जा रही है दिल्ली के सामने, वो बिल्कुल सरासर गलत है। नवंबर 2017 को क्यों हम लोगों को पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों हम लोग राजनीति में उतरे या एक अलग दल बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई दिल्ली में, ये एक सिलसिला है कि पिछले लगभग देश की 70 साल की आजादी के बाद हम लगातार देखते रहे हैं कि जिन लोगों के लिए काम भारत के संविधान में जो रूल्स और जो आर्टिकल्स निहित किए गए थे कि उसके लिए काम करना है, उन सरकारों ने काम नहीं किया। राजनीतिक दल बने, जब कांग्रेस के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस का काम खत्म हो चुका है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, ये आजादी के आंदोलन से पहले की बात थी। लेकिन कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी में परिवर्तित कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट कर लिया। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी उसको अडॉप्ट करके डिवीजन कर दिया गया, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अल्पसंख्यक है, ये माइनॉरिटी है, हम भी आप हैं, तो आप दो आप तो हो नहीं सकती। हमने कहा हम असली आप हैं, आप नकली आप हो। हर रोज 40 करोड़ से भी अधिक लोग केवल एक वक्त का खाना खा करके गुजारते हैं, तो ये कैसा विकास है? किया है विकलांगों, वृद्धा विधवा की पेंशन के लिए आवाज उठाई हमने। जब आवाज उठाई तो केजरीवाल जी का बयान आया कि 3 महीने में इसको वेरीफाई कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो रट्टा के रखा था कि किसी का आधार कार्ड से मैच नहीं है, किसी का फोन नंबर नहीं मिल रहा, किसी का कुछ है, तो एक तरह से घोटाला था कि लगभग 3-3.5 सालों तक पेंशन नहीं दी गई। और जब पेंशन के लिए सब जाते थे अपने जो स्थानीय नेता के पास, निगम पार्षद के पास या विधायक के पास, तो उनके जो कार्यकर्ता थे इनडायरेक्ट में उनसे कुछ मांग करते थे, क्योंकि सूची हमारी लंबी वक्ताओं की है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा प्रदूषण के हालात, देखिए क्या कहता हमारा अखबार कि दिल्ली में सांस की बीमारी से हर दिन मर रहे हैं 27 लोग। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूंगा तो सोचेंगे कि भाई आरोप लगा रहे हैं पार्टी वाले, नहीं ऐसा नहीं है, देखिए सबूत है हमारे पास, ठीक है सर।